हाँ हम लोग क्या पढ़े, वो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है ना, वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने कितना 10 क्वेश्चन आसपास में किया हुआ, 9 क्वेश्चन कर चुके हैं ना उसमें। आपके हमने आपको क्या बताया, एक एक के वो फॉर्मूला याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट में, कौन सा सर? अमाउंट बराबर कितना सर? अमाउंट वाला जो फॉर्मूला था वो P इंटू 1 + R/100 के पावर T, यही होता है ना, टाइम होता है ना, ठीक है। इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं, हमने क्या निकाला ये से बाबू, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। अब बाबू जहाँ सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालना रहेगा, तो उसके बाद हमने क्या किया, ट्री मेथड से बताया बाबू, 2 साल का 3 साल का, यही क्या ना 10 क्वेश्चन में, यही क्या वो 2 साल का निकाला 3 साल का निकाला है ना। प्रीवियस क्लास में बाबू एक क्वेश्चन किया था बाबू, आपको ऐसे अनम्यूट कीजिए, एक क्वेश्चन किया था बाबू कि अगर टाइम कैसे दिया रहेगा सर, फ्रैक्शन में दिया रहेगा। अभी तक जो भी क्वेश्चन किया था बाबू सब टाइम 1 साल था, 2 साल था, 3 साल था है ना। अभी सारा का सारा क्वेश्चन कैसे बाबू, टाइम कितना सर, 1 ईयर 6 मंथ है। म्यूट करो बाबू, किसका म्यूट कीजिए। टाइम सारा का सारा कैसे बाबू, 1 ईयर 6 मंथ है, यहाँ भी क्या 1 ईयर 6 मंथ, यहाँ क्या 1 ईयर 3 मंथ, यहाँ क्या बाबू 1 ईयर 1 महीना है, 1 ईयर 1 महीना। अगला अगला क्वेश्चन कौन आएगा बाबू, 1 ईयर 70 डेज, 73 डेज है ना, 1 साल 1 दिन 2 दिन का कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट है ना बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम क्या बाबू, फ्रैक्शन में, ये ध्यान देना, यहाँ पे बाबू टाइम क्या बाबू, फ्रैक्शन में। टाइम क्या है बाबू, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में ना, टाइम क्या बाबू, फ्रैक्शन में है ना। तो फ्रैक्शन में कैसे करोगे बाबू, फ्रैक्शन में करने के लिए अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो स्टक हो जाओगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो तो क्या हो जाओगे, स्टक हो जाओगे। एसआई के लिए तो दिक्कत नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल लोगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज करोगे वो कौन सा सर, अमाउंट बराबर कितना होता है सर, पी इंटू 1 + R/100 है ना के पावर T। तो टाइम यहाँ फ्रैक्शन में पुट करोगे तो फ्रैक्शन का कैलकुलेशन करना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अरे फ्रैक्शन यहाँ 6 मंथ बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 हाफ ईयर आएगा, एक साल प्लस हाफ ईयर, 1 साल + ½ साल, 1.5 साल, 1.5 साल मतलब क्या हो, 3/2 ईयर, 3/2 ईयर, तो यहाँ पावर कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2 ईयर को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो हम लोग इस टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो इसके लिए वो हम लोग ट्री मेथड का यूज करेंगे। क्या करेंगे, ट्री मेथड का जो बताते जा रहे हैं ना। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे बाबू, 1 साल 6 महीना है ना, प्रीवियस क्लास में भी बताए थे है ना। तो हम लोग 2 साल का निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाल लेंगे, 2 साल का निकाल लेंगे, 2 ईयर्स का। वी हैव टू फाइंड द बाबू सी आई बाबू एंड एस आई बाबू फॉर 2 ईयर्स है ना। 2 साल का निकाल लेंगे, उसको 6 महीना का घटा देंगे, 6 महीने से क्या कर, 6 महीना का आधा है, 6 महीने मतलब कितना आधा है, तो उतना से डिवाइड कर दें। मतलब अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं करना चाह रहे, आप शांति से सुनो, लिखो नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। देखो 10% है बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10% है, 10% का मम्मी मतलब क्या पढ़ाई है, 1/10 पढ़ाई है, 10/100 होगा, 10/100 होगा तो 1/10 होगा ना, अरे मेरे लाल कितना 10% हो गया, मल्टीप्लाई कितना 1/100, तो कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा है ना, 1/10 आ जाएगा। तो 10% बराबर क्या लिखेंगे सर, 10% बराबर कितना लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे, 1/10 1/10 लिखेंगे है ना, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, ए ओपी बाबू प्लीज शो योर वीडियो, अंशु जी शैतान वीडियो ऑन कीजिए, ये भी मिस्टी नहीं आई, दोनों मिस्टी नहीं है, दोनों मिस्टी नहीं बाबू। संजना बाबू कैमरा डाउन करो, समझना सर ये ओपी कौन है पता नहीं बाबू, मिस्टी हो गई, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बाबू, हम लोग क्या करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे है ना। हमारा प्रिंसिपल कितना दिया वो 4000, ठीक है सर। तो यहाँ 1 साल 6 मंथ है, तो 1 साल 6 मंथ है बाबू, तो हम लोग कितना साल का निकाल लेंगे, 2 साल का निकाल लेंगे, 2 ईयर्स। वी हैव टू फाइंड द बाबू सी आई एफ ऑफ 2 ईयर्स। तो पहले फर्स्ट साल का आपको कैसे बताया, 4000 का वो एकदम इससे आसान मेथड है नहीं। 4000 का कितना निकालोगे, 1/10 निकालोगे। 4000 का 1/10 निकालने के लिए बताइए कि हम बाबू कैसे निकालेंगे सर, 4000 है सर है ना, 1/10 कितना हो जाएगा सर, 1 0 मर गया सर, कितना बच गया, 400 बच गया, कितना बच गया 400, मतलब 4000 का 1/10 कितना बच गया, बन गया 400 बन गया। तो ये 400 क्या देता, ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, फर्स्ट ईयर का क्या दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, निकल गया है ना, ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू 4000 का 2 साल है ना बाबू, हम 1 ईयर 2 1 ईयर 6 मंथ है, तो हम लोग 2 साल का निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 2 साल का निकालेंगे, 2 ईयर्स का निकालेंगे है ना। 4000 का फिर से 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिर्फ दूसरे साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है सिर्फ। सुजीत वीडियो ऑन कीजिए बाबू, ये सिर्फ क्या बाबू, सेकंड ईयर का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिर्फ सेकंड ईयर का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक। नेक्स्ट बाबू हमको 2 साल का निकालेंगे, 1 ईयर 6 मंथ कह रहा था, 2 साल का निकालेंगे है ना। तो एक बार और इसको 4000 का कितना निकालेंगे, 1/10 निकालेंगे, 2 साल के लिए ऐसी ना करते बाबू, 2 साल के लिए क्या करते, इसी तरह करते, आपको बताए थे। तो 400 का 1/10 कितना आएगा सर, 40 आएगा।
अरे मेरे लाल 400 मल्टीप्लाई 1/10 40 आएगा, तो कितना हो गया 40 हो गया। ठीक ठीक है सर। तो ये पहले साल का क्या बता दिया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या हो गया एस आई सी आई ऑफ फर्स्ट ईयर, ये क्या हो गया एस आई हो गया एंड सी आई हो गया ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल का फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर कि नहीं बाबू, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। ठीक, ये 400 सिर्फ क्या हुआ सर, सेकेंड ईयर का सी आई होगा, 400 ओनली 400, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली 400 है ना। ठीक, 400 ओनली क्या हो गया वो सेकेंड ईयर का सी एस आई हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का क्या हो गया, ये सेकेंड ईयर वो है ना वो एस आई हो गया, एस आई हो गया एस आई ऑफ बाबू सेकेंड ईयर दूसरे साल का। तो दूसरे साल में कितना है मंथ, 12 मंथ, ये सिर्फ 400 क्या हो गया दूसरे साल का एस आई हो गया। ठीक सर, ये दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो व्हाट विल यू गेट बाबू, 440। तो ये जो 440 हो गया ऐड कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे तो 440 हो गया। ये 440 क्या बताता है सर, सेकेंड ईयर का सी आई बताता है। ये 440 क्या हो गया, सेकेंड ईयर का सी आई हो गया, सी आई ऑफ सेकेंड ईयर। ये क्या बताता है बाबू, सी आई ऑफ सेकेंड, दूसरे साल का सी आई बताता है ना। पहले साल का सी आई कितना सर, 400। पहले साल का एस आई कितना सर, 400। दूसरे साल का एस आई कितना सर, 400। दूसरे साल का सी आई, अरे सर दूसरे साल का सी आई कितना सर, 440। हमको हमको दो साल का निकालना है, हमको 1 year 6 month का निकालना। तो एक ईयर का तो इधर है ही है सर, और ये दूसरे साल में 12 मंथ का, कितना 12 मंथ का। तो 12 मंथ का अगर बाबू कम एस आई बाबू 400 है, तो 6 मंथ का 200 हो जाएगा। अब 12 मंथ 12 मंथ का अगर बाबू सी आई 440 है, 12 मंथ का 440, तो आधा महीना का कितना, 6 मंथ का कितना, आधा साल का कितना, 440 / 2 कुछ है। अरे बाबू 1 year 6 month, तो हमने 2 साल का निकाल दिया, हमारे पास कोई रास्ते नहीं है। तो इससे अच्छा कोई रास्ता है, 1 year 6 month का रहा है, तो 2 साल का निकालो, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 440 रुपया। तो ये दूसरे साल में 12 महीना का हो गया, दूसरे साल में 12 महीना का 440 रुपया, तो 6 मंथ का कितना, 440/2 हो जाएगा है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, एस आई का अगर हिसाब किताब करोगे बाबू, अगर एस आई का हिसाब किताब करो बाबू, तो एस आई ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर एस आई ऑफ बाबू फर्स्ट ईयर का एस आई कितना है सर, 400। एस आई बाबू ऑफ सेकेंड ईयर का एस आई कितना हो गया सर, 400। 400 बाबू, तो हमको सेकेंड ईयर का निकालना है, नहीं बाबू 6 मंथ का निकालना, 1 साल 6 मंथ का निकालना। तो एस आई बाबू इसी में बाबू ऑफ 6 मंथ का, 6 मंथ का कैसे सर, अरे सेकेंड ईयर में 12 महीने का 400, तो 6 महीने का कितना, 400/2, 1 साल का 1200, 6 मंथ बराबर आधा साल का कितना, गुस्सा बर्बाद, 400/2 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक, तो एस आई 200 क्यों लिखे, 400 क्यों लिखे। अरे एस आई सेकेंड ईयर का 200 है, सेकेंड ईयर में आधा क्या रह गया, कितना आएगा, ये 6 मंथ का हो गया है ना सर, मैं मुझे लगा सी आई निकाल दे, ऐसा ही था। तो एस आई ऑफ बाबू 1 year 6 month, 1 year + 6 month का कितना हो जाएगा बोल ले, 1 year 6 month का 400/200 कितना हो जाएगा, 600 हो गया है ना। लिखे भोला, ए ओ पी वीडियो ऑन कीजिए बाबू, रौनक लिखे लिखे बाबू, अच्छा ठीक है, रौनक बाबू ऑन कीजिए, रौनक तो ऑन है बाबू, ओपी बाबू ऑन कीजिए, अंशु जी शैतान ऑन करो, प्रधान कैमरा रोटेट करो ना शैतान, आपका मोबाइल नहीं रोटेट हो रहा बाबू, रोटेट करो शैतान, वैसे कैसे पढ़ता बाबू, अरे शैतान ऐसे पढ़ोगे तो छोटा छोटा दिखाई देगा जी, ऐसे करके पढ़ो ना जी, बड़ा बड़ा दिखाई देगा। अब हुआ शैतान है, छोटा छोटा डिस्प्ले। अंशुजीत बाबू सर आप रुपीस का सिंबल भूल जा रहे हैं, 400 और, अच्छा ठीक है मेरा लाल दीजिए बाबू, थोड़ा सा बाबू जगह स्पेस की कमी हो जाता, आप लोग रुपीज देते चलिए, ये रुपी कौन है, पैसा ही रखा हूं सर, ऐसा बोले हैं,
हाँ सर थोड़ा नहीं आपका वैसा नहीं है बाबू सुजीत, आपका लैंडस्केप मोड में नहीं है। सर तो वैसे ही रखा हूँ ऐसे 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 रखे, ऐसे रखे, ऐसे रखे, ऐसे जल्दी करो। सर, तो ऐसे ही रखा हूँ सर। रोटेशन बाबू तो ऑफ करो, रोटेशन ऑफ करो। आया कौन कौन है शैतान आप लोग बाबू, जल्दी लिखे, जल्दी लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग खत्म करते हैं, जल्दी से बोले। शालिनी नहीं आई शैतान, ये मिस्टी चल कहाँ गए शैतान, इसके मम्मी फोन करना पड़ेगा। क्लास उलास करती नहीं, खाली इधर उधर करते रहती है। मिस्टी बाबा धाम जल्दी बाबू। लेट से क्यों आते है बाबू मिस्टी, ये कौन मिस्टी है जी? है सानवी, सीआई भी ना निकालेंगे। हाँ सीआई भी निकालेंगे। सानवी शैतान वीडियो ऑन कीजिए। सानवी इसको पढ़ने में नहीं इंटरेस्ट लगता जी, भगाने में फायदा। जो बच्चा को नहीं इंटरेस्ट लगे वो भगाने में फायदा रहता है। सालनी आज हो गया बाबू 117 तारीख, जल्दी लिखे जल्दी लिखे। आपका डेली डेली नेटवर्क है इशू होता है बाबू, वाईफाई भी लगल है। सम्यक है, स्वाति बाबू, अखरा, अनुज है, आर्यन है, बिट्टू है, गौरव है, मोहित है, सपना है, श्रुति है, सत्यम नहीं है शैतान इसको फोन करना, सानवी है, प्रधान है, संजना, अंशुजीत है, अर्षिता है, रौनक है, निकू है, अनुष्का, अनुष्का। अरे शैतान अनुष्का कहाँ रह गई बाबू, ये सब शैतान सब है। भूमिका है, चलिए बाबू जल्दी 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 लिखे बाबू, जल्दी लिखे जल्दी लिखे। सर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लवन वाला जी। अरे शैतान अभी पूरा हुआ, देखो क्या कर रहा बाबू, सीआई तो निकाल गया, एसआई तो निकाल गया, सीआई निकालने कर रहा, सीआई निकालने कर रहा, तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीआई निकालेंगे सर स्पेस तो नहीं है। एक पेज में बाबू पूरा कर लिया बाबू, नेक्स्ट बाबू सर ड्राइंग ही हो गया सर, छोटा छोटा लिखता शैतान। ठीक है नेक्स्ट बाबू हटा देता हूं। अब हमको सीआई का हिसाब किताब करने का रहा, तो एक सब फर्स्ट ईयर का सीआई कितना सर, यही बोला 400। सीआई बाबू ऑफ बाबू फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, पहले साल का, पहले साल का कितना सर, 400 रुपया, 400 400 400। सेकेंड ईयर का कितना बाबू, सीआई बाबू दूसरे साल का, दूसरे साल का, दूसरे साल का। सेकेंड ईयर कहने का मतलब कितना, 12 मंथ। सेकेंड ईयर कहने का मतलब कितना सर, 12 मंथ। दूसरे साल में 12 मंथ, कितना सर, कितना सर, 440 440 रुपया। तो 12 मंथ का 440, तो 6 मंथ का कितना, 220 है ना, 12 मंथ का 440। 2 साल में तो 24 मंथ होते हैं। अरे शैतान सेकेंड ईयर में सिर्फ दूसरा साल, मान लो उन्हें 2000 हो गया था, 2001 का, तो 2001 में नहीं जोड़ना नहीं शैतान, गड़बड़ हो जाएगा, जोड़ देगा तो मर्डर हो जाएगा, ठीक है ना, जोड़ देगा तो मर्डर हो जाएगा सर। माइनस सी आई बाबू और बाबू 6 मंथ का, ये पहला साल और प्लस 6 मंथ, तब 440 डिवाइडेड बाई 220 है ना। हाँ सर, तो टोटल सी आई कितना, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, टोटल 400 प्लस ये बाबू सी आई बाबू ऑफ बाबू 1 year 6 month का, 1 year plus 6 month का 400 बाबू। आप लोग क्या ऑप्शन में बाबू क्या रहेगा ना, कभी कभी पॉइंट का पॉइंट से मैंने ये मैच करेगा तो डेसिमल में आ सकता है, इसका एग्जैक्ट करोगे ना तो डेसिमल में आएगा, है ना बाबू, तो उतना हम लोग कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 220 इसको करो, हाँ शैतानी तो बताइए करेगा, 660 रुपया। तो कहाँ एस आई कितना हो गया सर, 600 रुपया, सी आई कितना हो गया, 660 रुपया, तो 60 रुपया ज्यादा डिफरेंस कहेगा, ज्यादा निकाल देंगे। लिखो बाबू जल्दी से लिखे, लिखे
तो इस टाइप का वही सारा का सारा क्वेश्चन एक एक खानदान का दूसरा मेथड नहीं बहु पावर बहु और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टाइम भी नहीं है। ये बहु सारा का जितना क्वेश्चन है सारा का सारा एक परिवार का, एक ही परिवार का। नहीं नेटवर्क पकड़ रहा भूमिका, भूमिका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा बाबू, पकड़ रहा है ना। चलो अच्छी बात है। दो कौन बच्चा भागा जी, इसे तो इनका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है सबको बाबू। अच्छा आर्यन, आर्यन भी है। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। कहाँ चला अंकित, खाली इधर उधर घूमते रहता है। नहीं सर पेन खत्म हो गया, वही लाने। बहुत पिटेंगे गौरव, खाना पीना वाला बाबू आप लोग काम ये पहले कर लो, नहीं तो बाद में कर लो। क्लास में खाते हो ढूंढ देंगे पकड़ के, क्लास करेगा शैतान खाते रहेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा। एक हाथ से खाएगा एक हाथ से लिखेगा बाबू। सर आप तो तुरंत इरेज कर देते हैं। हाँ तो आप बाबू क्या झुकते रहती हो, लिखने में एट में चल गई शैतान, तेज नहीं रहोगे लिखने में तो कैसे होगा। अरे जाओगे ना 3 महीने के बाद बाबू, जल्दी लिखे। नो सर नहीं जाएंगे, अभी 2 साल बाद जाएंगे। सर मैं 1 साल में ही जा रहा हूँ सर। बिट्टू वीडियो बाबू, बिट्टू अंशुजीत वीडियो बाबू, नेक्स्ट बाबू। ये एक क्वेश्चन देखो बाबू, क्या प्रिंसिपल कितना दिया सर, 5120 है और वही क्वेश्चन में ये कंपाउंडेड एनुअली है और 1 year 6 month था, तो इसी तरह निकाल लेना बाबू, इसको करके लाएगा, इसको करके लाएगा, इसको करके, यही क्वेश्चन है। प्रिंसिपल को रेट को क्या करना, 25/2 कर देना है ना, 25/2 और फिर 1/8 आ जाएगा, है ना, 1/8 आ जाएगा, इसको कीजिएगा। फर्स्ट मेथड नहीं बताऊंगा सर। हाँ बाबू दोनों का डिफरेंस निकाल ले। हाँ बाबू निकाल के बाबू, बहुत बड़ा नाम काम करोगे, निकाल लीजिए क्या दिक्कत है। अरे फर्स्ट मेथड में फर्स्ट मेथड में वो पावर आ जाएगा, 3/2 पावर आ जाएगा, तो कैसे सॉल्व करोगे उसके लिए, फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे उसके लिए। अच्छा ठीक है, उसके लिए छोड़ दो, उसको बताएंगे, बता देंगे। उसके लिए एक फार्मूला आएगा, उसके लिए एक स्पेशल फार्मूला आएगा, आपको बताएंगे थोड़ा देर के बाद, है ना, 1-2 दिन के बाद बताते हैं उसको। ठीक नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू जब बाबू रेट ऑफ, हाँ सेकेंड मेथड इसका भी नहीं बाबू, अभी बर्दाश्त कीजिए, है ना। ठीक है ना, देखो आगे हम लोग कौन सा टाइप पढ़ेंगे, पहले तो कल पढ़ लेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्वार्टरली वाला कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10%, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, है ना। अभी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाबू हर एक साल क्या सेम है ना जी, हर एक साल सेम है। अब मान लो बाबू पहला साल कुछ और रह जाएगा, दूसरा साल कुछ और रह जाएगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, तो उस टाइप में बाबू आपको इसको हम कवर करवा देंगे ना, इस वाला कवर करवा देंगे ना, उस टाइप में इसके कवर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ही मैं ऐसा वाला क्वेश्चन कर दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट बाबू क्या करा, बाबू प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, 2000 दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ, 1 year 3 month दिया हुआ, रेट कितना दिया, 20% पर एनम दिया हुआ, कंपाउंडेड, ये वर्ड हमेशा पे ध्यान देना, अभी तक जो भी क्वेश्चन है कंपाउंडेड एनुअली है, हाफ ईयरली क्वार्टरली वाला नहीं है, है ना, मंथली वाला नहीं है, जो भी क्या है कंपाउंडेड एनुअली मतलब हर एक साल लग रहा है, आपको इंटरेस्ट कैसे लग रहा है, ईयरली लग रहा है, ईयरली लग रहा है, ईयरली लग रहा है ना, तो इसको कैसे करेंगे सर, तो इसी तरह से करेंगे बाबू, रेट 20% दिया हुआ, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे सर, तो रेट 20% पर एनम दिया हुआ, आर की वैल्यू कितना दिया, सॉल्यूशन बाबू 20% दिया, 20% का मतलब क्या सर, 20/100 यही होता है ना, तो वैसे ही ना बनेगा, हाँ वैसे ही बनेगा, 20/100 कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 20% का मतलब 1/5, प्रिंसिपल कितना दिया, 2000 रुपया, प्रिंसिपल कितना दिया 2000, तो हम लोग क्या करें 2000 लिखेंगे। ठीक सर, 2000 का 2 साल है बाबू, 1 साल कितना कह रहा है, 1 साल 3 month, 1 साल से ज्यादा रहेगा ना, 3 month 2 month 4 month, 2 साल का निकाल लेंगे, 1 साल 1 year 3 month है ना, तो हम लोग क्या निकालेंगे, 2 साल का निकालेंगे। अब दूसरे साल का जब निकल जाएगा तो उसमें से 3 महीने का निकाल लेंगे, है ना, 12, दूसरे साल में कितना 12 month हो जाएगा, तो वहां से 3 month का निकाल लेंगे, है ना, तो जब 1 साल कुछ ही रहे, 1 महीना 2 महीना 4 महीने, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 साल का निकाल लेंगे, 2 years का निकाल लेंगे ना, 2 years का निकाल लेंगे। ठीक, तो 2000 का कितना निकालेंगे, 2000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/5 है, तो 1/5, 2000 का 1/5 कितना होगा, मम्मी क्या पढ़ाई, इधर नहीं पढ़ाई थे, इधर पढ़ना,
ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक ठीक बाबू। 2200 का कितना बाबू, 1/5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये पहले साल का सी आई दे दिया सर, क्वेश्चन में 2000 है। अच्छा ठीक है, तो 2000 है तो 400 कर दो, ठीक। तो पहले साल का बाबू क्या हो गया, सी आई हो गया, एस आई हो गया, दूसरे साल का सी एस आई हो गया ना। अब दूसरा सर आप वो भी चेंज करिए, वो कल तक कैलकुलेशन ऊपर जो दिए 2000। अच्छा ठीक है, चलो ये 2000 है वो 2000 है बाबू, तो ये कट जाएगा 400 टाइम में, चलो ठीक। अब फिर से 400 का क्या निकालेंगे, 1/5 निकालेंगे। तो 400 का 1/5 कितना हो जाएगा सर, नहीं यहाँ होगा तो यहाँ निकालना, 400 का 1/5 8 टाइम्स में आ जाएगा, तो 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कुछ करना है जी, है ना। तो अभी देखो मेरा बच्चा वैसे करेगा, कुछ करेगा, पहले साल का सी आई देखो, पहले साल का सी आई एस आई 400 रुपया, दूसरे साल का एस आई, दूसरे साल का कितना एस आई 400 रुपया, लेकिन दूसरा साल में क्या कर रहा है, 3 मंथ कर रहा है, एक मैंने कितना कर रहा है, 1 year 3 month कर रहा है, तो 12 महीने का 400, तो 3 मंथ का ना निकाल लोगे यूनिटरी मेथड से, है ना बाबू। अरे शैतान, 12 मंथ का बाबू कितना हो गया सर, 400, तो 3 मंथ का ना निकाल लोगे, है ना। तो यहाँ से बाबू क्या हो गया, बार बार कितना लिखोगे, एस आई बाबू, एस आई बाबू ऑफ बाबू फर्स्ट ईयर, पहले साल का एस आई कितना हो गया सर, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का कितना हो गया सर, 400 रुपया। सेकेंड ईयर में बाबू, सेकेंड ईयर का 400 रुपया दिया हो, सेकेंड ईयर का 400 दिया हो, मतलब अब 12 मंथ का कितना दिया, सेकंड ईयर में कितना होगा, 12 मंथ होगा, तो 12 मंथ का 400, तो 3 मंथ का नहीं निकालोगे यूनिटरी मेथड लगा के बाबू, फिर 100 होगा सर। नंबर 11 में डिफरेंस नहीं निकालना है सर, यूनिटरी मेथड क्या होता है, नो सर वो 12 है, ये 12 हो गया, चलो 12 बाबू डिफरेंस देखो, सी आई एस आई निकाल लोगे तो डिफरेंस तो आराम से निकाल लोगे, पहले सी आई एस आई निकालो तो डिफरेंस निकालने में क्या दिक्कत, तो अपने मन से ऐड कर सकते हो, है ना बाबू। तो देखो बाबू, ये बाबू सेकेंड ईयर का ना हो गया शैतान, ये बाबू हो गया सी आई एस आई, सी आई एंड एस आई ऑफ फर्स्ट ईयर, शैतान बार बार वसूल कर लेता है फर्स्ट ईयर। ये 400 सिर्फ क्या हुआ, सेकेंड ईयर का हो गया, ये 400 सिर्फ क्या हो गया शैतान, ये 400 सिर्फ क्या हो गया, ये हो गया एस आई सेकेंड ईयर, एस आई ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का एस आई हो गया, ये दोनों के जोड़ दोगे 480 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, सेकेंड ईयर का सी आई हो गया, है ना। तो एस आई बाबू टू ईयर 6 मंथ का बोलेगा तो 3 साल का निकाल देंगे, हाँ 3 साल करवा रहे हैं। सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा सर, सेकेंड ईयर का एस आई कितना है सर, 400 है, तो 12 मंथ का 400, यहाँ से बाबू ये सेकेंड ईयर कहने का मतलब कितना हुआ, 12 मंथ हुआ ना, तो यहाँ से 3 मंथ हमको कर रहा, क्या करा, 3 मंथ करा, 3 मंथ का निकाल, तो सिंस बाबू यहाँ से क्या हो गया 12 मंथ, बाबू 12 मंथ का एस आई कितना बाबू 400 है, अरे शैतान 12 मंथ का 400, इसको डायरेक्ट तो निकाल सकते मेरे लाल, आपको हम इतना कहा थका रहे हैं, इसीलिए बाबू 1 मंथ का क्यों करेंगे, क्योंकि 3 मंथ का निकालना, हमको 3 मंथ का निकालना है ना, 3 मंथ का निकालना, तो ये दूसरा साल में कई महीना, 12 महीना होगा, दूसरा साल में कितना मंथ होगा, 12 मंथ होगा, तो 12 मंथ का 400, तो 3 मंथ का कितना आएगा ना जानता जी, 12 मंथ का 400, तो 3 मंथ का कितना, 1 मंथ का, हाँ नहीं समझ में, 12 मंथ का 400 जी, तो 1 मंथ का कितना, 400 by 12, इसीलिए बाबू 3 मंथ का कितना हो जाएगा भोला, 3 मंथ का कितना हो जाएगा 400 divided by 100 हो जाएगा, अरे शैतान 12 महीना का 400 रुपया, तो 3 मंथ का कितना रुपया, 100 सर 100, हाँ भोले, पहले 1 महीना का निकाल लेंगे फिर 3 महीना का निकाल लेंगे उससे, तो कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, और इसको 3 से into कर देंगे तो 300 हो जाएगा, हाँ बाबू, तो 1 महीना का बाबू निकला, तो 3 मंथ का निकल गया ना जी, ठीक, इसीलिए बाबू एस आई हो गया, इसीलिए एस आई अब बाबू 1 year 3 month, 1 year + 3 month का, तो 1 साल का कितना है सर 400, और 3 महीना का कितना, 100 रुपये, 1 महीना पूछ दे तो उसमें भी 2 ही साल का निकालेंगे, आगे है नहीं सैतान अगला क्वेश्चन, हाँ 500 रुपया, ना समझा उत्कर्ष, है शैतान उत्कर्ष, सर आप समझ गया,
अरे शैतान, चार 12 महीना का 400 रुपया सी आई, तो 3 मंथ का कैसे निकलेगा सर? मतलब 1 साल का कितना भी हो सर, वो 2 ही साल का निकाल लेंगे सर। तो पहले 1 मंथ का निकालेंगे 400/12 और फिर उसके बाद 3 मंथ का निकाल देंगे। हाँ हाँ वैसे करेंगे। कहाँ थे अनुष्का सर? कुछ भी रहेगा तो वैसे ही करेंगे। हाँ बाबू, कहाँ थे अनुष्का भोले? अरे पापा जी, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। तो ये एसआई आ गया सर, 1 महीना 1 साल 3 महीना का एसआई आ गया। इसी तरह से सीआई निकालेंगे, सीआई निकाल। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अगला क्वेश्चन कितना बहु, 1 साल 1 मंथ है, जल्दी निकाले सर। मतलब 1 साल में कितना भी मंथ का रहे, सिर्फ 2 ही साल का निकालना है? 2 साल का। हाँ मेरे लाल, 2 साल का निकालेंगे। जल्दी 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 बोले, जल्दी बाबू बहुत पढ़ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे, 12 मंथ जो आया उससे इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन में अंतर थोड़ी है शैतान, वही है ना बाबू, खाली यहाँ ये आंसर बाबू। 1 मंथ का कितना हो जाएगा, है ना बाबू, 400/12 हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बाबू बोलिए सर। मैं 5 मिनट के लिए कैमरा बंद कर रहा हूँ सर, नेटवर्क नहीं चल रहा सही। नेटवर्क की भूख लग गया सर। 33.333 मम्मी से पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, बाद में पूछेंगे, पहले पढ़ाई करो। नेक्स्ट बाबू, मम्मी आप लोग बाबू, आप 12 से डिवाइड करेंगे तो सर तो 33। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोग को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ किसका? मम्मी जी का। उन्हें से खाना देगी, इन्हें से पानी देगी, करते रहो पढ़ाई, छोड़ते रहो। है ना, तो मेरा सीआई रुक जाइए सर, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। एसआई बाबू 1 ईयर 3 मंथ का हो गया, अब हमको सीआई निकालना, सीआई निकालना, सीआई निकालो। जल्दी 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 करो। मोहित अभी ठीक नहीं हुआ? शिवानी, ये शिवानी बोली, शिवानी सर नीचे रिस्पेक्ट करेगा। अच्छा ठीक है शिवानी बाबू। यस सर। मोहित ठीक अभी नहीं हुआ जी? नो सर, कल उसका नाका कटेगा तो आ जाएगा। चलो अच्छा, बढ़िया से खिलाना पिलाना कीजिए बाबू, है ना सर। तो देखो बाबू, सी आई बाबू फर्स्ट ईयर का सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर सी आई बाबू फर्स्ट ईयर का सी आई कितना सर? 400 है सर। तो हमको पहला साल का तो पता होगा, हमको छेड़छाड़ कहाँ करना है, सेकेंड ईयर में करना है। क्यों सर? इसलिए कि सेकेंड ईयर का ना पूछ रहा, 1 साल कितना 3 मंथ का पूछ रहा, तो दूसरे साल का पहले निकालोगे तब ना, तो दूसरे साल का सी आई कितना हो गया, 480 हो गया, है ना। ये सी आई हो गया बाबू, सी आई बाबू, है ना बाबू, सी आई बाबू ऑफ बाबू सेकेंड ईयर, दूसरे साल का, दूसरे साल सेकेंड ईयर कहने का मतलब कितना हो, 12 मंथ। दूसरे साल में कितना हो, 12 मंथ होगा ना जी, हर एक साल में 12 मंथ होता, तो दूसरे साल में भी 12 मंथ होगा, 440। तो यूनिटरी लगा बाबू, सिंस बाबू 12 मंथ का बाबू सी आई मेरा कितना है सर, 12 मंथ का सी आई 440 है। तो यहाँ से 1 मंथ का निकालो और फिर 3 मंथ का निकालो, इसलिए बाबू 1 मंथ का बाबू 440 डिवाइडेड बाय 12, इसलिए बाबू 3 मंथ का कितना हो जाएगा, रुपया 480 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 से 4 अब 4 से 120, 120 रुपया। तो 3 महीना का 120 रुपया था, 1 साल प्लस 3 महीना का कितना, 400 + 120, इसलिए सी आई ऑफ 1 ईयर। ये सब खाली नौटंकी है, हम इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं तब ना सर, नहीं तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। सी आई बाबू 1 ईयर + 3 मंथ कितना हो जाएगा सर, 400 + 120 कितना हो जाएगा बोला, 520 रुपया, 520 रुपया हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर, 500, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 520 रुपया, तो ये ना 20 रुपया ज्यादा है। लिखे बाबू मेरे, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अगला क्वेश्चन बाबू इसी के जैसा है बाबू, लिखिए जल्दी से भोला मेरा। ये भूमिका काहे नहीं समझ में आ रहा भोले, भूमिका काल रो रही बाबू, बहुत रो रही है सर। काहे रो रही?
लिखे लिखे भूमिका पिटाई खुल आ रहा है सर। 120 में रुपीस का साइन खुल गए। अरे मेरे लाल, अच्छा ठीक है बाबू, एकदम यही सब पकड़े करेगा, ये रुपया का सिंबल भूल गए, ये भूल गए। हाँ सर, तो फिजिक्स में तो वही है ना, यूनिट भूल जाने से नंबर काट देते हैं। हाँ वो तो यूनिट भूल जाने से नंबर, हाँ वो तो है बाबू, यूनिट भूला नंबर कटा, हम भी काट कर सकते। चलो लिखिए, अच्छी बात है, सब केयर कीजिए। जल्दी जल्दी उसी को सोच के मेरा भी नंबर काटा है सर फिजिक्स में। लिखे 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 सर। हाँ बोलिए बोलिए हर्षिता। सीआई ऑफ 1 ईयर प्लस 3 मंथ में भी आपने रुपीस का सिंबल छोड़ा। क्या छोड़ा? सीआई ऑफ 3 मंथ 1 ईयर 3 मंथ 400। अरे मेरे लाल, यहाँ पे शुरू में सब में एक ही को दे दो 400, इसके सबके बदले एक ही दे दो। चलो ठीक है, हो गया बाबू। अगला क्वेश्चन क्या करा सर? 12 क्वेश्चन नंबर 12 कुछ है सर, यहाँ पे हमने 3 मंथ का निकाला हुआ, अब इसमें क्या करा है? वही क्वेश्चन वो 1 मंथ का करा, तो इतना तो सेम ही होगा जी, इतना तो मेरा सेम ही होगा। मामला गड़बड़ कहाँ होगा? यहाँ 12 मंथ का है सर, तो यहाँ 1 मंथ का निकाल लेंगे, मामला मेरा फिक्स हो जाएगा। अरे शैतान, 12 और 13 में क्या एक ही चीज बने सर? यहाँ 3 मंथ है सर, सब चीज डाटा एक है, जान के लिए ऐसा वाला। यहाँ 1 साल 3 मंथ, यहाँ 1 ईयर 1 मंथ, वही प्रिंसिपल है और वही आपका क्या है रेट है ना, तो 1 साल 1 मंथ है, तो यहाँ 12 मंथ का 480, तो 1 मंथ का कितना 480 डिवाइड बाई 12, ये आ जाएगा 40 रुपया आ जाएगा, 40 रुपया आ गया है ना। और वहाँ पे बाबू ये 100 1 मंथ का ये कितना आ जाएगा, इसका 1 मंथ का निकालोगे तो 400/12 आ जाएगा है ना, ठीक 36 से कुछ कम आएगा। तो इसको बना लेना, इसको बना लेना, इसको बना लेना, 30 नंबर बना लेना, 30 नंबर बना हुआ है, करना कुछ नहीं, बना हुआ इसी में सब बना हुआ। अरे एक लाइन मिटा देंगे 13 में, क्या करेंगे, एक लाइन मिटा दिया, हो गया लास्ट में तो बस 3 मंथ को हटा देना है, बस हटा देंगे, हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, सर 5 मिनट बाकी है, सर 5 मिनट बाकी है। अच्छी बात है, नेक्स्ट बाबू, जल्दी 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 DIY दिया हुआ। नेक्स्ट बाबू, दो DIY सर। हाँ दो गोवा भाई, दो तीन गोवा बनाओगे नहीं जी? नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, एक बार अटेम्प्ट करना है ना, 5 मिनट बचा है सर। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 14 एक दिन में 5 गो क्वेश्चन ना करने देता। 14 बाबू, वही क्वेश्चन है, इफ बाबू है ना, इफ क्या ले लिखे, प्रिंसिपल दिया मेरा लाल, प्रिंसिपल कितना दिया, बोलते थे कि 13 वाला DIY है, तो मैं उसके नीचे भी लिख लिया, मैं पूरा वो कर दिया। चलो ठीक है, ये DIY होगा, प्रिंसिपल कितना दिया, 18,000 दिया हुआ, इसको अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 16 होल कितना दिया, 1/3% दिया हुआ है ना, PA दिया हुआ, पर एनम दिया हुआ, ठीक। टाइम कितना दिया हुआ, 1 ईयर दिया हुआ, और प्लस 73 डेज दिया हुआ, 1 साल 73 दिन दिया हुआ है ना, 1 साल 73 दिन दिया हुआ कि नहीं बाबू, है ना, 73 दिन दिया हुआ, ठीक। तो वही करना, फाइंड द CI और SI। अरे CI निकल जाएगा, SI निकल जाएगा तो डिफरेंस ना निकालेगा, CI निकल जाएगा तो अमाउंट ना निकालेगा, SI निकल जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट वाला अमाउंट ना निकल जाएगा, कुछ करना यही ना करना है। फाइंड CI वाला कैसे निकालेंगे, डे वाला CI एंड फाइंड द CI एंड SI है ना बाबू, है ना बाबू, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, कैसे कंपाउंड हो रहा, एनुअली हो रहा, जो भी क्वेश्चन करवाए सभी एनुअली कंपाउंडेड है ना। डे वाला कैसे करो, 1 साल 73 दिन है तो 2 साल का निकाल लो, सेकेंड ईयर का निकाल दो, सेकेंड ईयर में कितना दिन, सेकेंड ईयर में कितना दिन बताओ बाबू, सेकेंड ईयर का निकालोगे तो कितना डेज होगा, यहाँ डेज है ना बाबू, डेज है तो डेज में कम, यहाँ मंथ था तो सेकेंड ईयर में कितना, 12 मंथ लिए, अब डेज है तो सेकेंड ईयर में कितना दिन होगा बाबू, कितना होगा सपना सेकेंड ईयर में बाबू, कितना दिन होगा सपना अपना सर, एक दिन में 365 डेज होता है तो 2 साल में, सर एक दिन में 365 डेज होता है, उसका कैलेंडर में वैसे ही होता है शैतान, उसका एक दिन में 365 दिन होता है, दिमाग सर, एक साल में, सर एक साल में 365 डेज, सर 730 डेज,
हाँ बाबू, तो यहाँ बाबू देखो क्या होगा बाबू, वन ईयर में बाबू सेकंड ईयर में कितना, मैंने वो एक हर एक ईयर बाबू कितना होगा 365 डेज होगा, तो 365 डेज में बाबू जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो निकाल लेना। कैसे करना बाबू, 365 डेज में बाबू मेरा CI मान लो आ गया, कुछ आ गया इसका निकालो, मान लो बाबू कुछ आ गया, मान लो 400 रुपया आ गया, तो 365 डेज का इतना, इसलिए वो 1 डेज का कितना 400/365 डेज करना, इसलिए कितना डे का 73 डेज का निकाल लेना। यहाँ डेज है तो डेज से कंपेयर करना है ना, डेज से कंपेयर करना, यही चीज होता है, कुछ नहीं होता। अरे यहाँ पे नहीं बाबू, ये तो दूसरा ऐसी एग्जांपल ना बताएं जी, ये थोड़ी आएगा, ये तो एग्जांपल कैसे करना है ना, ऐसे करना ठीक बाबू है ना। इसमें बाबू हम लोग इसको बनाना, इसमें कल हम लोग कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्वार्टरली वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कौन सा टाइप आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग, पहला साल 10%, दूसरा साल 15%, तीसरा साल 20%, ऐसे आएगा। अभी तक जो भी क्वेश्चन करवा रेट ऑफ इंटरेस्ट से महीना, हर एक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो जाएगा, तो कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे। उसके बाद हम लोग टाइम पीरियड निकालना करना वाला सीखेंगे ना, कैसे टाइम निकालेंगे है ना, है ना। चलिए बाबू अच्छी बात है, सो जाइए, सो लीजिए हर्षिता। अरे 300 अरे शैतान, सेकेंड ईयर में कितना होगा, 1-2 साल का निकाल लीजिएगा, तो दूसरे साल में 365 दिन होगा,